लड़की पटाने के लिए किसी भी एक्सटेंड पे जाओगे, है ना? नहीं, और अपनी शक्लें देखिए, एक फौज के टैग के अलावा है ही क्या हमारे पास लड़कियां पटाने के लिए? क्या फौज का टैग होना कम होता है? गुड आफ्टरनून सर। बेटा तुम समझे नहीं, फौज का टैग चिक मैग्नेट होता है, चिक मैग्नेट। जब तुम अपने घर जाओगे ढेर सारी लड़कियां मिलेगी, लड़की के पास जाओ स्टाइल में और एकदम एटीट्यूड में, हाय लेफ्टिनेंट कनिष्क मेहता, बस लड़की फ्लैट। लेकिन उसका क्या फायदा सर? एनीवेज गुड वन, बट ऑन अ सीरियस नोट, टेस्टेड एंड ट्राइड फॉर्मूला है, अगर काम नहीं करे तो यू ऑल कैन कॉन्टेक्ट मी। थैंक यू सर। या ओके, फुल फ्लैट। यस। अच्छा भाई लोग सुन लो, मैं कहता हूँ जिसकी भी सेटिंग हो जाए ना, हम ग्रुप पे मैसेज कर देंगे, अगर किसकी बात बात होती है तो लिख देंगे अल्फा, और कोई डेट शेट करने लग जाता है तो लिख देंगे ब्रावो, और इसका कुछ ना हुआ तो लिख देंगे चार्ली। चार्ली भी तो है बेटा, तेरा साथ ना चार्ली होने वाला है। चल मारेगा क्या? ओ सॉरी यार, इनसे मिली है भाभी तुम्हारी, ओ इनके चक्कर में लेट हो गया मैं। तेरी इस खटारा पे ट्रिपलिंग कैसे होगी? तो तुम ऐसा करो ना, तुम यहाँ से रिक्शा पकड़ लो, सीधा रिक्शा जाता है वही है। रिक्शा पर मैं चलता हूँ। है ओ सुन, फोन कर लियो। हेलो सामने से हटो, हेलो हटो। अरे अरे एक सेकंड है। अरे अरे रोको। अरे प्लीज ब्रेक मार दो, रोको। अरे नहीं रोको। अरे प्लीज रोक दो, मैं गिर जाऊंगा। तुम्हें चोट तो नहीं लगी? लुका छिपी नैन मटका इश्क एडिक्शन सट्टा। नहीं बहुत मजा आया, एक बार फिर से ट्राई करें। अरे मैं कब से चिल्ला रही थी तुम्हें सामने से हटो, हट नहीं सकते थे सामने से। एक्सक्यूज मी, मुझे कैसे पता तुम मुझे बोल रही हो? हॉर्न नहीं मार सकती थी? अरे हॉर्न खराब है तभी तो चिल्ला रही थी ना, वरना पागल थोड़ी ना कि चिल्लाऊंगी। हटो। ओके रिलैक्स, तुम्हें कहीं चोट वोट तो नहीं लगी? आई ओके? नो आई एम फाइन। इन्फैटुएशन अब पापा मांस लगा। यू ओके? आई थिंक तुम्हारी पैर में स्प्रेन आया है। ठीक हूँ मैं। अरे यार तुम स्कूटर नहीं चलाओगे, लेट मी ड्रॉप यू होम। एक सेकंड, स्मार्ट बनने कोशिश मत करो, चलाऊंगी मैं अपने आप से। अब मेरी शक्ल क्या देख रहे हो? हेल्प करो इधर आके। मैंने क्या किया? लो की कोशिश मत करो, फौजी की बेटी हूँ, बैंड बजवा दूंगी तुम्हारा। डर गया मैं। अच्छा ये तो बताओ रहती कहाँ हो? क्यों तुम्हें क्यों बताऊँ? ठीक है मत बताओ, मैंने सोचा तुम्हें अपने घर ही जाना होगा तो एड्रेस तो बताना ही पड़ेगा ना। मॉल बस यही रोक दो। पाजी पाजी तेरी। अरे रुक, अबे ओए कहाँ जा रहा है बे, कहाँ जा रहा है बे? अरे रोक, ये तेरी खटारा ना इतनी अच्छी नहीं है कि मुझसे आगे निकल जाए। तेरी तो रोक बे, क्या हुआ कहाँ जा रहा है? वो लेफ्टिनेंट, मैंने तुम्हें देखा नहीं, वो तुम यहाँ पे सुबह सुबह क्या कर रहे हो? जॉगिंग कर रहा हूँ। ये तेरी पापी है। पापी? लेकिन कल तो क्या कल कौन मिलते हैं ना, ये तेरी पापी है, यही है। हेलो हाय। ये मेरा फ्रेंड है, ये लेफ्टिनेंट है फौज में। ऐसा करो तुम ना जॉगिंग करो, मुझे थोड़ा काम है। सुन ध्यान रखियो मेरी पापी का। हाँ मैं पापी का ध्यान रखूंगा। ओके
अरे तुम फिर मेरी स्कूटी पर आकर बैठ गए। मैं नहीं बैठता, तुम मुझे ठोके बिठा देती हो। अरे तुम हमेशा बीच में क्यों आते हो, तुम्हें कोई जगह नहीं दिखती। एक एडवाइस दूं, कुछ और ट्राई करो, कॉइन कलेक्शन, स्टैम्प कलेक्शन, मार्केटिंग कुछ भी। क्यों, मेरे टाइम पास क्यों करूं? क्यों, क्योंकि ये सेफ हॉबीज है ना। अरे यार, ये तो तुम स्कूटर पे रोज निकल के किसी को ठोक देती हो ना, ये नॉट सेफ फॉर यू और अदर पर्सन। ओह हेलो, मुझे कोई शौक नहीं तुम्हें स्कूटर से बार बार गिराने का, मैं अभी स्कूटर चलाना सीख रही हूँ, वो भी अपने आप से, किसी ने सिखाया नहीं मुझे, समझे? अचानक ठीक तो? हाँ यार, ठीक तो हूँ। यार तुम ना प्लीज साइकिल खरीद लो। मुझे भी लग रहा है अब तो मुझे साइकिल ले ही लेनी चाहिए। यार ब्रिगेडियर की बेटी हो, लाल बत्ती वाली गाड़ी में चला करो ना, क्या है स्कूटर वोटर चलाती रहती हो। वही तो प्रॉब्लम है। अभी लौटो, किसका कुछ हुआ क्या? अल्फा अल्फा, हाँ तो क्या कह रही थी तुम? अरे वो लाल बत्ती वाली गाड़ी है ना, मेरी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो गाड़ी। पस, पस। अरे घबरा मत, मैं ही हूँ। अरे मतलब मैं तू ही, तू मैं, छोड़ यार ये सब। सुन, याद ना सीना ने क्या बोला था, स्टाइल से बोल दे, लेफ्टिनेंट कनिष्ठ मेहता, नाइस टू मीट यू। क्यों? अरे मुझे वीआईपीस की तरह इस तरह से घूमना नहीं पसंद है। यार तुम बोल ही दे, किस नाचीज को लेफ्टिनेंट कनिष्ठ मेहता कहते हैं? बोलती बोलती बोलती। अरे यार तुम इतने सीनियर ऑफिसर की बेटी हो, इज़न्ट दैट लाइक रियली कूल? नॉनसेंस, आई हेट इट। मुझे ना ये आर्मी किड वाली लाइफ बिल्कुल पसंद नहीं है, आई कांट स्टैंड इट। अरे यार कल तो तुम बहुत प्राउड थी कि तुम फौजी की बेटी हो। हाँ वो तो ऐसे ही तुम्हें डराने के लिए कर रही थी, और कुछ नहीं। अच्छा ये बताओ कि तुम्हें फौज के बारे में इतना नापसंद क्या है? अरे यार कितनी बोरिंग लाइफ होती है इनकी, इतने सारे स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, इतने रूल्स, इतने रेगुलेशंस। इनकी पार्टीज देखिए कितनी फॉर्मल पार्टीज होती है। पार्टी का मतलब क्या होता है? पीपल शुड हैव फन। लेकिन इनकी पार्टीज में अगर तुम 5 मिनट भी लेट पहुंचो तो फाइट है। ये काम ऐसे करो, वो काम वैसे करो, मेरे तो कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा लिसन, मैं तुमसे 2 बार ही मिल चुकी हूँ, हम इतनी बातें कर चुके हैं, तुमने मेरा घर भी देख लिया है, बट स्टिल वी डोंट नो ईच अदर्स नेम। मुझे तुम्हारा नाम पता है। कैसे, तहकीकात कर रहे हो मेरी? नहीं कल तुमने तो बताया था। मैंने बताया था कब? डजंट मैटर। बाय द वे आई एम श्रेया, आई एम लेफ। अब कनिष्क, कनिष्क मेहता नाम है मेरा। कनिष्क ये क्या किया तूने? अरे क्या बोल दिया, क्या यार? वाओ यार कनिष्क, नाइस नेम। मुझे लगा एम ऐसा कोई नॉर्मल से नाम होगा, लेकिन तुम्हारा नाम तो काफी कूल है। वैसे करते क्या हो तुम? मुझे भी याद आया, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं बाद में मिलता हूँ। ओके बाद में मिलता हूँ। ओके इट्स ओके, बाय, सी यू। ओके अरे हाँ तो उसे ये मत बताना कि तू एक आर्मी ऑफिसर है, कुछ और बोल दे। तो क्या उसे झूठ बोलूंगा क्या? अबे राजा हरिश्चंद्र की औलाद, बोल देना झूठ। पहले तो गड्डी को धक्का मार, फिर देख। अगर गड्डी ठीक से चलती हुई दिखे तो उसे बता दियो सच। पहले थोड़ा सा गुस्सा होगी फिर तो मान ही जाएगी। लेकिन अगर गड्डी ठीक से चलती हुई ना दिखे तो कोई टेंशन ही नहीं है, दूसरी गड्डी पकड़ लियो। चल ठीक है, वापस मिलती है तो बताता हूँ। ठीक है। Hi, I'm Lieutenant Kanish Mehta. Hi, Dr. Kanishk. Hi, I'm an engineer, Kanishk. Bola Kanishk. Superman Kanishk. I am Professor Kanishk. Assistant Professor Kanishk. How to be a director in 20 days. Hi,
I'm director Kanishk. Yes, director Kanishk, filmmaker. Wow, मैं अपनी love story खुद direct करूँगा. फिर से आगे स्कूटर लेके आज नहीं ठुकूंगा मैं. कहाँ छुपूं कहाँ? ओए, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सेब खा रहा हूँ. जामुन के पेड़ पर? सच बताओ क्या कर रहे हो? वो क्या है ना, इससे पहले कि कोई मोहतरमा आके मुझे अपनी स्कूटर से ठोक दे, मैं सोचा यहाँ बैठ जाता हूँ. इट्स सेफ राइट? अरे मैं जानबूझ के थोड़ी ना करती हूँ, वो तो कभी कभी गलती हो जाती है. अब आज तो मैं ऐसे ही फन के लिए कर रही थी. वैसे कल तुम ऑल ऑफ अ सडन चले कहाँ गए थे? वो एक्चुअली मुझे अपनी जॉब कंप्लीट करनी थी ना, बस इसलिए चला गया था. लेकिन तुमने बताया नहीं तुम करते क्या हो. शक्ल से तो बड़े स्टड टाइप्स लगते हो. मॉडल मॉडल हो, एक्टिंग करते हो. लेफ्टिनेंट सच बोल. सच बोल? बोल सच. सच बोल लेफ्टिनेंट. क्या? डायरेक्टर हूँ. क्या कहा? मतलब डायरेक्टर हूँ यार, डायरेक्टर. हाँ मतलब तुम फिल्म बनाते हो? हाँ. Oh my God, how cool! तुमने कौन सी फिल्म बनाई है? यार मैं ना डॉक्यूमेंट्रीज बनाता हूँ. तुमने नहीं देखी होगी, बहुत अलग तरह की फिल्में बनाता हूँ मैं, बहुत अलग. डॉक्यूमेंट्रीज? You, how boring! तुम कुछ एंटरटेनिंग नहीं बनाते? बनाता हूँ ना यार, बहुत एंटरटेनमेंट वाली फिल्में भी बनाता हूँ. अरे तुम बताओ ना कौन सी फिल्म बनाई है. अरे प्लीज बताओ ना. प्लीज. अरे देखो यार, मुझे ना अपने काम के बारे में ज्यादा बात करना अच्छा नहीं लगता, सो लेट्स जस्ट लीव इट. You know what? I have never met a filmmaker before. तुम पहले बंदे हो. Please बताओ. Please, 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 please. यार, border. Border? वो तो जेपी दत्ता ने बनाई थी ना? उसमें तुम कहाँ थे? वो नहीं यार. Border 2. और जितने लोग border 1 में बच गए थे ना जिंदा, border 2 में सब मार दिए. ठीक है? पर border 2 आई कब थी? अरे लेकिन और कौन सी फिल्म बनाई तुमने? प्लीज बताओ ना कौन सी फिल्म बनाई है. अरे यार आर्मी. आर्मी? ये कौन सी फिल्म है? ओ, वो शाहरुख खान वाली? नहीं, आर्मी टू. आर्मी टू? ये कब आई थी? आई थी यार. देखो अब क्या है ना, तुम्हें वैसे भी फौज पसंद नहीं है तो तुमने नहीं देखी होगी. आई एम श्योर अबाउट इट. अरे पर छोड़ो यार, मेरे बारे में तो बहुत सारी बातें हो गई, अपने बारे में बताओ ना, तुम क्या करती हो? मैं आई एम अ मास कम्युनिकेशन स्टूडेंट. क्या? कुछ नहीं. अच्छा ये छोड़ो, तुम कौन से कैमरा पे शूट? कॉफी पे चले. देखो वैसे भी यहाँ खड़े खड़े तो बहुत सारी बातें हो गई हैं. लेट्स गो फॉर अ कॉफी. चलो चलो आओ ना. अच्छा तुम अपनी डॉक्यूमेंट्रीज शूट करने के लिए कैमरा खुद से हैंडल करती हो या फिर डीओपी होता है? डीओपी? आप? अरे कैमरामैन. कैमरामैन? ऑफ कोर्स. वो एक्चुअली मैं ना डीओपी नहीं यूज करता, आई यूज एबीसी. एबीसी? हाँ एबीसी मतलब वो ना डीओपी से ज्यादा हाई टेक्निक है वो. एक सेकंड, आई गॉट अ कॉल, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. हेलो. हाँ अनुज. और भाई अल्फा, ब्रावो तक बात पहुंची है नहीं? हाँ ब्रावो ब्रावो ब्रावो, क्या बात कर रहा है. अरे कुछ डिटेल्स तो दे. दूंगा ना. एक्चुअली अभी ना मैं अपनी फ्रेंड के साथ बैठा हूँ तो बाद में बात करता हूँ. अच्छा ये बता, शूट कैसे चल रही है? अरे कैसी बातें कर रहा है, कौन सा शूट? मैं तो घर के बाजू में हूँ. हाँ वही घर वाला प्रोजेक्ट. यू नो राइट, आई डोंट लाइक कॉम्प्रोमाइजेस, तुझे पता ना मेरा स्टाइल ऑफ वर्किंग. अरे कॉम्प्रोमाइज प्रोजेक्ट क्या बोले जा रहे तू कब से? बात को समझ, हीरो की सिचुएशन समझ. हीरोइन के साथ है, हीरो की हालत खराब है, समझा कि नहीं? खुल के बात नहीं हो सकती. अच्छा तो तूने अपने आप को हीरो बता के रखा है उसे? डायरेक्टर यार. अब ऑफ कोर्स मैं डायरेक्टर हूँ और जो मैं कहूँगा वही होगा. अच्छा अच्छा अच्छा, अभी तो डायरेक्टर है क्या? भाई बढ़िया है बढ़िया है भाई. एक काम कर तू ना, घर जाके ना मुझे फोन करना एक बार. रॉजर. रॉजर? ये ब्रावो रॉजर तुम
फौजियों की लैंग्वेज में क्यों बात कर रहे हो? फौज वो क्या है ना, मेरी जो अगली डॉक्यूमेंट्री है वो फौज पे है, तो फील ले रहा हूँ, फील ले रहा हूँ। डोंट टेल मी तुम्हारा अगला प्रोजेक्ट भी फौजियों पर बेस्ड है। हाँ? ओ गॉड, क्या तुम मुझे एक बात बताओ, तुम्हें फौजियों से इतनी नफरत क्यों है? मैं भी बहुत सारे फौजियों को जानता हूँ और अच्छे लोग होते हैं यार, I mean they're nice people. प्लीज कनिष्क, इस टॉपिक पर मैं बहुत लोगों से बहस कर चुकी हूँ। एक बात बताओ, तुम्हें फौज में इतना इंटरेस्ट क्यों है? मतलब ऐसा क्या अच्छा लगता है तुम्हें इसमें? सब कुछ। फिर भी जो जो तुम्हें ना पसंद है ना, मुझे सब अच्छा लगता है। अगर इतना ही पसंद है तो जाके ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते फौज? वो इसलिए क्योंकि तुम्हें ना पसंद। अच्छा, तो अब सब कुछ तो मेरे हिसाब से करोगे? ट्राई करूंगा, पहले ही बता दो क्या पसंद है और क्या ना पसंद। बस दो चीजें पसंद नहीं है, पहली तो मैं तुम्हें बता चुकी हूँ और दूसरा लाइज। लेफ्टिनेंट कनिष्क, मैंने बोला था ना, अब तू ही संभाल। क्या? You okay? So I'm saying कि मुझे झूठ बोलने में लोगों से सख्त नफरत। चलो चलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, दिल थाम के बैठिए क्योंकि अब शुरू हो चुका है लव के लिए साला कुछ भी करेगा। ये गेम नॉर्मली दो लोग के बीच खेला जाता है और इस गेम का सिर्फ एक ही रूल है, डोंट गिव अप। कम व्हाट मे, जस्ट डोंट गिव अप। हाय। ओह, हियर यू कम। फिर तुम्हारा स्कूटर कहाँ है? यार वो स्कूटर, यू नो व्हाट, मैंने ठोक दी और अब तो चल भी नहीं पा रही है, रिपेयर के लिए दी है। यस यस। क्या यस, इतने खुश क्यों हो रहे हो? आई मीन अच्छा ही है ना यार, कम से कम मेरी टांगे तो बची। ये क्या लेके घूम रही हो? अरे मैंने सोचा कॉफी पीने जाएंगे, लेकिन फिर याद आया कि इतनी सुबह तो कॉफी शॉप बंद होती है, तो मैं घर से ही कॉफी ले। एक काम करें, वॉक करते करते कॉफी पिए। श्योर। हेलो, कॉफी दोनों के लिए थी। ओह आई एम सो सॉरी, कॉफी। क्या कॉफी बनाती हो यार तुम, वेरी गुड। Listen, प्लीज, दोनों के लिए थी। तो ठीक है, लो लो। वैसे तुम्हारे यहाँ तो बहुत सारे बॉल्स, पार्टीज, आर्मी में ये सब होता है ना, तुम नहीं जाती? नहीं यार, I have a life. कितनी बोरिंग होती है वो सब पार्टीज। और मम्मी पापा, उनको मैं हमेशा से मना ही कर देती हूँ, वैसे भी उनके साथ जाना कौन जाता है, उनके साथ जाना इज अ टॉर्चर, बहुत बोरिंग होता है। और यू नो, अगर किसी और के साथ जाना हो तो इट्स अ डिफरेंट थिंग देन। कोई और मतलब? कोई और मतलब, कुलदीप अंकल का बेटा, उसने पूछा था मुझसे एक बार, तो फिर मना कर दिया, बहुत बोरिंग सा इंसान था। राघव ने भी पूछा था, उसको भी मना किया क्योंकि मेरा मन ही नहीं था जाने का उसके साथ। तुम थोड़ी अजीब नहीं हो? आई मीन मॉम डैड के साथ नहीं जाना, लड़कों के साथ नहीं जाना, डोंट यू थिंक कि तुम उम्र से पहले बूढ़ी हो रही हो? मुझे भी लगता है कि मुझे बुढ़ापा आ गया और मैं मरने वाली हूँ। इसीलिए सोच रही हूँ कि अगर कोई इंटरेस्टिंग इनफ लड़का मुझसे भी पूछ लेता तो। कॉफी। लुका छिपी नैन मटका इश्क एडिक्शन सट्टा। वैसे इंटरेस्टिंग लड़के का मतलब क्या है? तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इश्क एडिक्शन सट्टा।